नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। माइंड केयर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे हम माइंड की एक ऐसे बिलीफ सिस्टम की, एक ऐसे माइंड के पैटर्न की जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो नेगेटिविटी देखने लग जाता है आसपास के एनवायरनमेंट से। दोस्तों, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव सब्सट्रैक्शन, यानी कि कुछ खास चीज़ें हैं जिनको घटा देना। दोस्तों, हमारे आसपास के अंदर खुशियां भी है और दुख भी है, अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी है, और हम जिस नज़र से उनको देखते हैं हमें वो उसी नज़र से दिखने लग जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी अवस्थाओं से जिसके अंदर आदमी परेशान होता है, कष्ट में होता है, दुखी होता है, और वो आगे चलता चलता आगे बढ़ता बढ़ता उसका माइंड का पैटर्न दिमाग का काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार से करने लग जाता है कि वो आसपास की चीज़ों से जो बुरी बुरी चीज़ हो, जो नेगेटिव चीज़ हो, जो चीज़ें अच्छी नहीं हो, जो चीज़ें उसके जीवन के अंदर उदासी भरी हो, उन्हीं चीज़ों को वो देखने लग जाता है और उन्हीं चीज़ों से वो इंस्पायर्ड होता है, उसका ध्यान उन्हीं चीज़ों पर होता है। लेकिन जो चीज़ें अच्छी हो रही हो, जो उसके पास में हो, उसका घर परिवार प्रॉपर्टी सब कुछ जो उसके पास में हो, तो उसको वो नहीं देखता है। दोस्तों, इस बात को बोलते हैं सिलेक्टिव सब्सट्रैक्शन। सिलेक्टिव का मतलब सिलेक्ट कर लिया, अपने छांट लिया, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि उस घटा दिया, हमारी ज़िंदगी में से जो अच्छाइयाँ थी, जो पॉजिटिविटी थी, हमने उसको घटा दिया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि माइंड जो है वो थोड़ा अलग ढंग से काम करने लग गया। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है और इसकी वजह से एक इंसान परेशान रहने लग जाता है। आगे जाकर वो इंसान जो है वो बहुत जल्दी टेंशन में आने लग जाता है, स्ट्रेस होने लग जाती है, और जो आगे जाकर एंजाइटी का या डिप्रेशन का रूप ले सकती है। दोस्तों, इससे बहुत सारी जो मानसिक विकार हैं, मानसिक जो व्याधियां हैं, वो भी होने लग सकती है। दोस्तों, इसका जो समाधान है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत लिया गया है CBT थेरेपी से, और इसका जो समाधान है वो भी CBT थेरेपी के अंदर है। तो CBT थेरेपी ये कहती है कि हमें उस इंसान को एक बार रोकना चाहिए। रोकने का लेवल क्या, मन का लेवल, कि वो सोचता है, वो जो सोच रहा है उसी पर वो विश्वास करने लग गया है, और हम जिस बात पर विश्वास करते हैं उसी के अनुसार अपना जो ध्यान है वो अपने मन पर आ जाता है, हमारा मन उदास है या खुश है किस प्रकार से, और उसी के अनुसार हमारे अंदर विचार आने लग जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा रोकना चाहिए, उसकी एक अच्छी काउंसलिंग हो जिसके अंदर उसके विचारों को पहले पता किया जाए, उस विचारों से उसके बिलीफ सिस्टम तक पहुंचा जाए और फिर उसको ठीक किया जाए। दोस्तों, अगर आप CBT थेरेपी का पूरा कोर्स डिजिटल रूप में लेना चाहते हो तो उसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक नीचे दिया गया है, वेबसाइट जो है आपकी इस स्क्रीन पे भी आ रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक कीजिए, आपकी बातों को हमारे तक कमेंट के द्वारा पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।